उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के कांटोरा एग्निशन पैनर के तत्वावधान में किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को उन्नत खेती के बारे में जानकारी दी गई। आपको बता दें कि विकासखंड नवाबगंज अंतर्गत ग्राम पंचायत रहीम नगर दोबाही के मजरा दोबाही में किसान गोष्ठी का उद्घाटन फीता काटकर किया गया। वहीं किसान गोष्ठी को संबोधित करते हुए जोनल बिजनेस मैनेजर अनिल गर्ग ने किसानों को बताया कि उन्नत खेती के लिए अच्छे किस्म के बीज पायनियर जो ज़्यादा उपज देती है उसको इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही उन्होंने मौजूद किसानों को अच्छे किस्म के बीज के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि पायनियर धान के बीज से किसान खेती करें तो खेती में अच्छी उपज होगी। वहीं किसान गोष्ठी में डॉक्टर अमित कुमार, डॉक्टर विनीत त्रिपाठी, उपेंद्र सिंह, अंजलि सिंह, भाजपा किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष विजय कुमार सिंह, बलवंत सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आइए, पानीयर ग्रुप द्वारा ये बैठक की गई, इस संबंध में जानना चाह रहे हैं। आज ये पानीयर कंपनी के द्वारा जो पानीयर प्रवक्ता ग्राम समित कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में यहाँ दुबई में सेंटर कायम किया गया है, पूरे आज ये देश में 200वां जो सेंटर कायम किया गया है उसमें से एक है। इसके माध्यम से किसानों को खाद, बीज और कैसे किसान समृद्ध हो, कैसे खेत में फसल का उत्पादन बढ़े, उसके माध्यम से यहाँ आए सभी हमारे किसी वैज्ञानिक और जो हैदराबाद से चलकर आए हैं पानीयर ग्रुप कंपनी के अधिकारी, इन्होंने काफ़ी विस्तृत रूप से यहाँ के किसानों को जानकारी दिया और उन्होंने ये भी बताया कि कैसे यहाँ पर चाहे धान हो, मक्का हो और बाजरा है, गन्ने हैं और गन्ना और लाही सरसों की फसल कैसे इसकी उत्पादकता अधिक ली जाए, इस संबंध में उन्होंने विधिवत जानकारी दी कि इस सेंटर के माध्यम से जुड़कर और सभी लोग किसान यहाँ से एक ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ेंगे, जो महीने में एक बार मीटिंग होगी यहाँ पर, उसके माध्यम से यहाँ से बैठे बैठे ही कंपनी के दूर बैठे हमारे वैज्ञानिक से, अच्छे प्रवक्ताओं से खेती के संबंध में सारी जानकारी लेंगे। श्रीमान जी, आपका क्या नाम है और क्या है आप? मेरा नाम विजय कुमार सिंह है। मैं भारतीय जनता पार्टी में किसान मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष हूँ। धन्यवाद। और किसानों से संबंधित क्षेत्र में कार्य करता हूँ। ठीक, धन्यवाद। अखंड भारत न्यूज़ के लिए जमील अहमद अंसारी की रिपोर्ट, नवाबगंज, बहराइच।